मेरा दुर्भाग्य यही है कि अगर आज मैं जाट होती तो मेरे को भी समर्थन मिलता बहुजन नेताओं का। मैं अगर आज जाट होती तो बहुजन लीडर्स का मुझे समर्थन मिलता। अगर मैं जाट होती तो बहुजन नेता आके मेरे साथ जंतर मंतर पे सोते, रात को बैठते, खाते पीते, उठते, वहां पे मेरे प्रोटेस्ट को वो मजबूती से आगे लेकर जाते कि अगर मैं जाट होती। दुर्भाग्य यही है कि मैं दलित की बच्ची हूँ, मैं दलित हूँ। मुझे मत चुप करवाए आप लोग कि मैं चुप रहूं और अपने दलित नेताओं को एक्सपोज ना करूं। आई नीड टू से दिस, मुझे एड्रेस करना है ये चीजें। क्यों लोग मुझसे पूछते हैं 24 दिन हो गए, 24 दिन से सड़क पे बैठे हो, दिखाओ ना अपनी ताकत। आओ अनिल के लिए बाहर, आईआईटी का बच्चा जो आपका चला गया, आओ डॉक्टर रितु के लिए सड़कों पे। 24 दिन क्या, 24 महीने भी लग सकते हैं आपकी चुप्पी और आपकी खामोशी से। आप 24 घंटे के अंदर निपटारा कर सकते हो, 24 मिनट के अंदर निपटारा कर सकते हो। आप ऐसे कहते हो मूल 85-92% से ज्यादा है हम लोग, हमें जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं, हम तो ऑलरेडी संख्या में इतने भारी है। कहां पे हो आप लोग, मुझे तो नहीं दिख रहे आप लोग। आपकी बच्ची 24 दिन से वहां पे बैठी है। एडवोकेट महमूद प्राता जी, क्यों हम बोलते हैं, क्यों हम जिक्र करते हैं बार बार इस चीज का कि अगर शायद ये शख्सियत हमारे बीच में ना हो, हमारे साथ ना हो, तो आप लोग तो खुद ही हमें मरने के उस पर घाट पे छोड़ दो। आप लोग तो पूछने भी ना हो, हमें देखने भी ना हो, हमारी जेब में हम लोग रात को खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, किन हालातों में जी रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, किसको परवाह। सिर्फ ये देखना है कि किस दिन वहां पर 10,000 की भीड़ आ जाएगी। कहां से लेके आऊं मैं 10,000 की भीड़ वहां पे, तुम्हें लोगों को तो आने वाले। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपकी वजह से आपकी बहुजन बेटी अकेली बैठी है। मत उम्मीद करो, जो भीड़ जुटाने वाले लोग हैं ना, तुम्हारे समाज के गरीब लोग हैं जिन्होंने सुबह कुआं खोद के शाम को अपने बच्चों को पानी पिलाना है, उनके पास खाना खाने को नहीं है। अगर आप ही लोग नहीं आओगे हमारे प्रोटेस्ट में, आप ही लोग चक्का जाम नहीं करोगे, है आप लोग बताते हो ना कि हम संख्या में इतने हैं। करो ना दिल्ली विश्वविद्यालय जाम, करो ना जाम सड़कें एक दिन के लिए, मांगो अनिल कुमार के लिए न्याय, मांगो डॉक्टर रितु के लिए न्याय, करो। चार सीट तक जमा करवा दी एडवोकेट महमूद प्राचा ने। अगर आप लोगों के अंदर दम है, चक्का जाम करके रेस्ट करवा के दिखा दो। रिसेंटली दो बच्चे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते थे आईआईटी में, उनकी मृत्यु के बारे में आप सभी लोगों को पता लगा। इन दोनों के परिवार वालों ने, एक अनिल कुमार और एक आयुष, इन दोनों के परिवार वालों ने, अनिल कुमार जी की माताजी मेरे बराबर बैठी है और उनके भाई जो है वो भी मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे, अमित कुमार, इन दोनों के घर वालों ने दिल्ली पुलिस को पुलिस स्टेशन किशनगढ़ में ये एफआईआर कराई है, ये कंप्लेंट दी है कि इन दोनों की हत्या जाति की प्रताड़ना की वजह से हुई है। इन लोगों को जाति की वजह से प्रताड़ित किया जाता था आईआईटी में और उसी के फलस्वरूप इनकी हत्या की गई। लेकिन शर्म और दुख की बात यह है कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने इन दोनों केसेस में एफआईआर नहीं की है। एक की कंप्लेंट जुलाई से पेंडिंग है और एक की कंप्लेंट अभी आज एक हफ्ता हो गया, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। दुख की बात यह, कल किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में गया था और वहां एसएचओ साहब से और एसीपी साहब से मिला था। एसीपी साहब ने, जिनका नाम मिस्टर यादव, क्या नाम लिया सबका, पूरा नाम क्या था, एसीपी साहब यादव जो एसीपी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम सेक्शन 4 SC ST एक्ट का झेलने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ बदलिया जी एडवोकेट हैं, वो भी गए थे कल, इनके और मेरे सामने हमारे मुंह पे बोल दिया कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, हम सेक्शन 4 भी भुगतने के लिए तैयार। उसके बाद हम डीसीपी साहब के ऑफिस गए और डीसीपी साहब को भी हमने ये सारे, जो उनके पीए थे उनके ऑफिस में भी हमने ये सारे हालात अवगत कराए। आज तक SC ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो आईआईटी के ऑफिस बेयरर्स हैं वो विक्टिम के, अनिल कुमार के परिवार को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इनडायरेक्टली इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश में जा रही है कि वो कंप्लेंट अपनी
ना फॉलो करें, उसको ना अमल में लाएं। आप सभी लोगों को बताया कि ये डॉक्टर ऋतु भी इसी जातिवादी मानसिकता की पीड़िता हैं और इनका प्रोटेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले आज ऑलमोस्ट 24 दिन से चल रहा। ना वाइस चांसलर को कुछ शर्म है, बल्कि वाइस चांसलर और प्रॉक्टर, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए इनके ऊपर हमला कराते हैं, उनके खिलाफ भी एक दूसरी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इन हालात में मेरा आम जनता से जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज की है ये कहना है कि हमें बड़े लेवल पे पीसफुल प्रोटेस्ट जो है करने पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट स्वयं ये बात को कह रहा है कि जो सरकारें हैं वो एससी एसटी एक्ट की जो धाराएं हैं उस पर पालन ना करने की दोषी हैं। उसके बाद भी ना कमिश्नर साहब के कान पे कुछ जूं रेंग रही है, उसके बाद भी ना चीफ सेक्रेटरी साहब के कान पे कुछ जूं रेंग रही है। ये दिल्ली की बात हम आपको बता रहे हैं, जो दूर सुदूर एरिया है वहां क्या हालात होते होंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। मणिपुर के हालात आपको सबको पता है कि किस प्रकार से आज भी सरकारी मदद से वहां पे ट्राइबल्स के साथ आज भी हत्याएं हो रही हैं, गोली मारी जा रही है, आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इस केस में मैंने अपनी तरफ से जो कंप्लेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर साहब को, डीसीपी साहब को लिख के सारे कानून के प्रावधान भी बता दिए हैं कि आपकी पुलिस जो है और आपके प्रशासन डीएम साहब पूरी तरीके से एससी एसटी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं और ये एक दंडनीय अपराध है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग ये गुजारिश करते हैं जनता से कि इस इतने महत्वपूर्ण दो केसेस को आईआईटी दिल्ली, जो पूरे विश्व में एक बहुत ही अच्छी शिक्षा के लिए जाना जाता है, उसके दिल्ली में उसके पीछे उसमें कैसे काले गंदे और घिनौने कारनामे किए जा रहे हैं वहां के स्टाफ द्वारा, वहां की मैनेजमेंट द्वारा और वहां की लोकल पुलिस द्वारा, ये पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। हम बहुत जल्दी ही हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन डालेंगे इन सभी लोगों के खिलाफ, ताकि ये जो दोषी हैं मैनेजमेंट आईआईटी की, ये अरेस्ट हो सके और इन लोगों को, दोनों परिवारों को न्याय मिल सके। न्याय के लिए ये लड़ाई हम लोग बड़े लेवल पे लड़ेंगे, इसके लिए हमें पूरे देश के अंबेडकरवादियों से सहयोग की अपेक्षा भी है। गुजारिश भी मैं करता हूं कि इस दोनों केसेस को हम लोग भूल ना जाएं, नहीं तो रोहित मेमुला, पायल तड़वी और इस प्रकार के रोज जो घटनाएं हो रही हैं वो कभी रुकेंगी नहीं। मैं अब डॉक्टर ऋतु से गुजारिश करूंगा और बदलिया साहब से भी, और उसके बाद ये परिवार वालों से भी कहूंगा कि वो भी आपसे अपनी बात करें। जिस तरीके से सर ने आपको बताया कि आईआईटी दिल्ली फैमिली साथ बैठी है, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। बहुत सारे लोग अक्सर दिल्ली विश्वविद्यालय में जो गेट नंबर 4 पे प्रोटेस्ट लगा है वो डॉक्टर ऋतु के लिए नहीं लगा, पहले तो मैं ये बता दूं। बहुत सारे लोग जब भी वहां पे आते हैं सवाल करते हैं कि आपके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, आपके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो इसमें तो खाली प्रिंसिपल शामिल है ना, प्रिंसिपल का दोष है, तो प्रोटेस्ट कॉलेज के बाहर क्यों नहीं लगा लेते आप, उसके साथ लड़ाई है ना, बाकियों का क्या कसूर है। तो मैं आप सबके माध्यम से सबको ये चीज बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जिनको ये लगता है। देखो इंस्टीट्यूशनल मर्डर कैसे होते हैं, पूरा इंस्टीट्यूशन, आज दिल्ली प्रिंसिपल क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, सिर्फ एक टुच्ची सी छोटी सी इम्प्लॉय है, वो एक क्रिमिनल है जो वहां बैठी है, बहुत छोटी सी, उसको संरक्षण देने के लिए पूरा मैनेजमेंट वाइस चांसलर से लेके रजिस्ट्रार से लेके डीन ऑफ कॉलेजेस से लेके इंक्लूडिंग द प्रॉक्टर और जो उनके गुंडे पाले हुए, जैसे अभी आपने देखा जो हमने रिसेंटली एक एफआईआर और करवाई है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे गुंडे वाइस चांसलर के नारायण दत्त और जिसमें वीसी और सब शामिल थे, तो ये नेक्सस है पूरा जो काम करता है, ये जातिवादियों का अखाड़ा। मैं ऐसे नहीं कहती कि विश्वविद्यालय जो है वो जातिवादियों का अखाड़ा बन चुके हैं, विश्वविद्यालय दुनिया भर में, खासकर अगर देश भर की बात करें, भारत की बात करें, तो वहां पे आप सोचो कि आईआईटी दिल्ली में या आईआईटी कहीं भी पैन इंडिया अगर कोई भी पढ़ रहा होगा आईआईटी के अंदर, तो उसके बुद्धि उसके दिमाग के अंदर क्या, तो उसका पोटेंशियल और क्या मेरिट होगा उसके अंदर जो कि वो आईआईटी के अंदर है अगर आईआईटी में पढ़ रहे हैं। तो जो अनिल मेरे भाई के साथ हुआ, जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, जो पायल तड़वी के साथ हुआ, इसी इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स को रोकने के लिए ही मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठी थी, वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है।
कि मैंने बार बार समाज से अपील की थी कि आओ साथ दो, मेरे कैंडल मार्च पे मत आना मेरे लिए। इन्हीं चीजों के डर से कि हमारे बच्चों को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, इतना मानसिक रूप से परेशान कर दिया जाता है। शोर भाई बैठे हैं, हमें भाई आप जानते ही होंगे, बोला होगा आपसे अनिल भाई ने, बहुत बार जिक्र किया होगा, क्लियर जिक्र। देखिए मतलब सब झूठ बोल रहे हैं। हमारे साथ जो होता है, जिस तरीके से एक साल तक मेरे साथ जो मेंटल टॉर्चर किया विश्वविद्यालय की, दिल्ली विश्वविद्यालय दौलताम कॉलेज की प्रिंसिपल ने, बहुत कम। मैं आपको बता रही हूँ मैं आज सड़क पे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी खत्म हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्राचा जी और बदलिया सर बैठे, इन लोगों की बदौलत FIR तो जमा होगी SC ST में, यहाँ तो चार्जशीट भी हो गई है। जो गुना, जो क्राइम, हीनियस क्राइम जो उन्होंने किए थे, उसके ऊपर उनकी चार्जशीट भी जमा होगी कि हाँ इस अपराधी ने ये गुना किया। फिर भी आज भी गुनाहगार जो है वो कुर्सी पे है और बेगुनाह सड़क पे है। ये है, ये जो FIR ना दर्ज होना, ये पूरा नेक्सस है, ये पूरा ग्रोह है जो ये सारी चीजों को जन्म देता है। ये उन्हीं की शय से सारी चीजों की, ताकि हम जैसे जो ब्राइट टैलेंटेड दलित आदिवासियों के बच्चे हैं वो आगे ना आ पाए, वो बढ़ ना पाए। अगर वो आते हैं तो उनको मानसिक रूप से इस तरीके से परेशान कर दो कि उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दो, ताकि एक ट्रेंड सेट हो जाए। क्योंकि सबकी मेंटल कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती सहने की, सब पता नहीं किस किस लेवल पे ये लोग टॉर्चर करते होंगे। तो सर ने जैसे कहा कि अभी हाईकोर्ट तक भी ये मैटर लेके जाएंगे, आई एम श्योर मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी टीम जानी ही पूरे भारत में, प्रभुत्व भारत में इसीलिए जानी जाती है कि हम लोग अन्याय के खिलाफ मुखर आवाज, मुखर रोके बुलंदी से लड़ते हैं, जस्टिस के लिए लड़ते हैं, इंश्योर करते हैं जब तक मुस्लिम को उसका सही घर, जो कि जेल और हो सकता है उससे भी आगे फांसी ना मिल जाए, तब तक हम लड़ेंगे। इसीलिए मैं भी सड़कों पर बैठी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, कि जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक मुस्लिम सही जगह नहीं पहुंचता, तब तक हम लड़ेंगे। और मैं आपके दुख में तो उसकी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। ये माँ है, देखो जरा इस माँ के चेहरे को जूम कर देखो, इनकी हालत मतलब आज किसी के बच्चे को खरोंच लगती है ना तो आप सह नहीं सकते, उसका तो बच्चा दुनिया से चला गया। और ऐसे ना जाने कितने अनिल बनेंगे, कितने रोहित विमला बनेंगे, कितनी पायल तडवी, चंद्रशेखर प्रोफेसर, डॉक्टर पंकोज पंजाब से, IIT बॉम्बे वाला एक बच्चा, IIT दिल्ली की दो हत्याएं, ऐसे पता नहीं कितने होंगे। सुखा सकते हैं जान मां के आंसू हम लोग? हमारा समाज अभी भी सोया हुआ है, अभी भी आप इंतजार कर रहे हो क्यों हमारा समाज हमारे लिए इकट्ठा नहीं हो रहा। मैंने जैसे बार बार कहा, और सर मुझे प्लीज आप रोकिएगा नहीं, मुझे पता आप हमेशा इस चीज के लिए मुझे रोकते हैं, लेकिन क्या मेरा दुर्भाग्य यही है कि अगर आज मैं जाट होती तो मेरे को भी समर्थन मिलता बहुजन नेताओं का? मैं अगर आज जाट होती तो बहुजन लीडर्स का मुझे समर्थन मिलता? अगर मैं जाट होती तो बहुजन नेता आके मेरे साथ जंतर मंतर पे सोते, रात को बैठते, खाते पीते, उठते वहां पे, मेरे प्रोटेस्ट को वो मजबूती से आगे लेकर जाते कि अगर मैं जाट होती? दुर्भाग्य यही है कि मैं दलित की बच्ची हूँ, मैं दलित हूँ। मुझे मत चुप करवाएं आप लोग कि मैं चुप रहूं और अपने दलित नेताओं को एक्सपोज ना करूं। आई नीड टू से दिस, मुझे एड्रेस करना है ये चीजें। क्यों लोग मुझसे पूछते हैं 24 दिन हो गए, 24 दिन से सड़क पे बैठे हो, दिखाओ ना अपनी ताकत, आओ अनिल के लिए बाहर, IIT का बच्चा जो आपका चला गया, आओ डॉक्टर रितु के लिए सड़कों पे। 24 दिन क्या, 24 महीने भी लग सकते हैं आपकी चुप्पी और आपकी खामोशी से। आप 24 घंटे के अंदर निपटारा कर सकते हो, 24 मिनट के अंदर निपटारा कर सकते हो। आप ऐसे कहते हो मूल 85-95% से ज्यादा है हम लोग, हमें जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं, हम तो ऑलरेडी संख्या में इतने भारी है। कहां पे हो आप लोग? मुझे तो नहीं दिख रहे आप लोग। आपकी बच्ची 24 दिन से वहां पे बैठी है। एडवोकेट महमूद प्राचा जी, क्यों हम बोलते हैं, क्यों हम जिक्र करते हैं बार बार इस चीज का कि अगर शायद ये शख्सियत हमारे बीच में ना हो, हमारे साथ ना हो, तो आप लोग तो खुद ही हमें मरने के उस पर घाट पे छोड़ दो। आप लोग तो पूछने भी ना हो, हमें देखने भी ना हो, हमारी जेब में हम लोग रात को खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, किन हालातों में जी रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, किसको परवाह पड़ी है, किसको फर्क पड़ता है? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कितने संगठन है, कितनी बहुजन पार्टी है, कितने बहुजन संगठन है, कौन पूछने आ रहा है? हाँ रितु जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कौन सा वो साथ जो रात के 8 बजे के बाद मुझे वहां पे कोई बंदा नहीं दिखता प्रोटेस्ट साइट पे? कौन सा वो साथ है कि आज अनिल के लिए सिर्फ उसके माँ बाप ही बैठे हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं है उनके पास यहाँ पे सिवाय एडवोकेट महमूद प्राचा के? जब कोई दलित आदिवासी कहते ना रीस सड़ो मत, रीस करो, रीस कॉम्पिटिशन करो अगर कर सकते हो तो एडवोकेट महमूद प्राचा के साथ। हमारे लिए तो है दलितों का मसीहा भाई, हमारी तो बात ही वही सुनते हैं, हमारे लिए तो आके कोई नहीं मिलता, हमें तो यही सहारा मिलता है, हमारे पास कोई नहीं है, कम से कम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी लड़ाई व्यक्तिगत लगती है, डॉक्टर रितु की लड़ाई व्यक्तिगत लग रही है आपको, तो आज अनिल कुमार की लड़ाई भी व्यक्तिगत लग रही होगी। कम से कम ऐसे इंसान को तो मजबूत कर दो, ऐसे इंसान के साथ तो खड़े हो जाओ।
जो इंसान आपके लिए आपके समाज के लिए दिन रात लड़ रहा है, दिन रात तत्पर है, ना अपना आराम है, ना भूख है, ना प्यास है, आपके समाज के बच्चों के लिए है। कहाँ है हमारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर? आज दलित बच्ची आपको गुहार लगाती है कि अगर आप वाक्य में अभी यहाँ पे समाज में किसी भी स्वर्ण समाज के बच्चे के साथ कोई अपराध हो, उनके आंदोलनों को चमकाने वाले, भीड़ भिड़ाने वाले सब दलित नेता होंगे, नंबर लगेगा, वो वाला दलित नेता चला गया, हम नहीं आया। तो आज अनिल कुमार समाज का नहीं था, डॉक्टर रितु समाज की नहीं है, आईआईटी से इससे पहले जो हत्या हुई वो समाज की नहीं है, आप लोग आयुष की हत्या हुई थी वो आपके समाज का नहीं है। आप लोग इंतजार करते हो, काम तो आप लोग कोई करते नहीं हो, समाज के लिए आप आते नहीं हो, आप लोग बस नंबर लगाते हो, एक चला गया तो दूसरा आएगा। ये बहुजन बेटी, दलित बेटी का दर्द है जो आज बोल रहा है, मुझसे मत पूछो आके कि कितना टाइम लगेगा, मत आना मेरे प्रोटेस्ट में ये चीज मुझसे पूछने के लिए कि 24 दिन हो गए, कब तक विचार है। तुम्ही लोगों की वजह से तो विचार बनते हैं, तुम्ही लोगों की वजह से तो आज नाकामी है कि 24 दिन से बेटी बैठी है वहां पे और उनके कान पे जू नहीं रिंग रही। दिखाओ ना अपनी ताकत, कितने दलित संगठन है, कितने बहुजन संगठन है, दिखता नहीं है आप लोगों को बेबहुजन बेटी का दर्द? कर दो 24 सेकंड के अंदर आप लोग हिला सकते हो, 24 मिनट के अंदर हिला सकते हो। जंतर मंतर पे जब जाट बेटियां बैठी थी तब तो नहीं आपने देखा था कि यहाँ पे लाखों की संख्या आएगी तब हम जाएंगे? यहाँ पे आप इंतजार करो, अरे मोर्चा उठ जाए, अरे थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा उसमें लोग आ जाए। कहाँ से लोग लेके आऊं? लोग तो तुम ही लोग हो ना, किसान आंदोलन में भी जाने वाले तुम लोग, शाहीन बाग में भी जाने वाले तुम लोग, जाट आंदोलन में भी जाने वाले तुम लोग, तो सब जगह तो जाने वाले तुम ही लोग हो। तो जब नहीं आओगे तो बहुजन बेटियां तो ऐसे ही बैठेंगी। इसी चीज को मेरे भाई अनिल की हत्या ना होती, इसी चीज को रोकने के लिए तो सड़क पे बैठी हूँ ना कि ये इंस्टीट्यूशनल मैटर रुक जाए। तुम लोगों का गलत शिक्षा से ही तो घोटा जा रहा है। आ गया ना महिला आरक्षण, वही शर्म आनी चाहिए 131 एमएलए एमपीओं को। तुम्हारी वजह से महिला आरक्षण 33% पास हो रहा है, तुम कहां है तुम्हारी भागीदारी? वो तो ऐसा जेवर है जो सिर्फ स्वर्ण महिलाओं के लिए, जब मन करेगा पहनेगी, जब मन करेगा उतार के फेंक देंगी। क्यों, किस लिए वो आरक्षण, सोचा कभी किसी ने? वो ना एससी के लिए, ना एसटी के लिए, ओबीसी का तो है ही कुछ नहीं उसके अंदर, फिर किसके लिए बैठे हो? अभी भी बस जुबान सिर्फ ये देखना है कि किस दिन वहां पे 10,000 की भीड़ आ जाएगी। कहां से लेके आऊं मैं 10,000 की भीड़ वहां पे? तुम्ही लोगों को तो आने वाले, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी वजह से आपकी बहुजन बेटी अकेली बैठी है। मत उम्मीद करो, जो भीड़ जुटाने वाले लोग है ना, तुम्हारे समाज के गरीब लोग हैं जिन्होंने सुबह कुआं खोल के शाम को अपने बच्चों को पानी पिलाना है, उनके पास खाना खाने को नहीं है। अगर आप ही लोग नहीं आओगे हमारे प्रोटेस्ट में, आप ही लोग चक्का जाम नहीं करोगे, है आप लोग बताते हो ना कि हम संख्या में इतने हैं, करो ना दिल्ली विश्वविद्यालय जाम, करो ना जाम सड़कें एक दिन के लिए, मांगो अनिल कुमार के लिए न्याय, मांगो डॉक्टर रितु के लिए न्याय, करो चार्जशीट तक जमा करवा दी एडवोकेट महमूद प्राचा ने। अगर आप लोगों के अंदर दम है, चक्का जाम करके अरेस्ट करवा के दिखा दो, डीसीपी से लेके डीओ प्रशासन से लेके पुलिस प्रशासन तक सब मिले हुए हैं। काय कितनी पावरफुल होगी वो प्रिंसिपल की, आपको दिख नहीं रहा? चार्जशीट जमा होना मतलब कि जो उन्होंने दिल्ली पुलिस से चार्जशीट जमा करवा के दिखा दो आप एससीएसटी एक्ट में। एससीएसटी एक्ट में ये वकील नहीं होते तो चार्जशीट जमा नहीं होती, वो तो पता कि एडवोकेट महमूद प्राचा खड़े हैं, बचने का रास्ता नहीं है, इसलिए चार्जशीट जमा हुई है। अब जब जमा होगी है तो फर्ज क्यों नहीं निभा रहा समाज अपना, क्यों नहीं आगे आ रहा? अब आपके ऊपर ये सवाल मैं छोड़ती हूँ कि मिलेगा आपको दिलाना है न्याय अनिल कुमार को, आयुष को, डॉक्टर रितु को। आप देख लो कि अगर अभी भी आपने इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं रोके तो जो मेरी जान माल को खतरा है, जो मुझे धमकियां आ रही है, जिसके ऊपर अभी एफआईआर हुई है महमूद प्राचा जी ने, बदलिया साहब ने एफआईआर करवाई है थाने के अंदर जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी पे, प्रॉक्टर पे, और वो गुंडा जो भेजा था उन्होंने नारायण दत्त पे एससीएसटी एक्ट के अंतर्गत ये एफआईआर हुई है। ये सारी चीजें अगर है समाज को दर्द तो बेटी का दर्द समझो, आओ मेरे साथ खड़े हो, इंसाफ दो हमें लेकर, अनिल को, मुझे, आयुष को इंसाफ दिलवाओ। शुक्रिया। जी मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अनिल का बड़ा भाई हूँ, क्योंकि अनिल कुमार का नाम है, आईआईटी दिल्ली में पढ़ता था, बीटेक कर रहा था और मैथमेटिक्स कंप्यूटर कर रहा था, वो का नाम है, ये जात पात शिक्षक सबको हत्या कर दी गई है और का नाम है, उसके बाद का नाम है, हमको 1 तारीख को आरिस के द्वारा सूचना मिली, आदित्य ऑपरेटर आदित्य मित्तल और रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए बोलिए सर।
बलराम यादव और दो चार लोग और खालिद से फोन आए जो कि बोला कि अनिल कुमार ने सुसाइड कर लिया है, जो कि हमने उनसे कहा कि हमारा भाई सुसाइड नहीं कर सकता, फोन में बोला हमने हमारा भाई सुसाइड नहीं कर सकता, ये हत्या की गई, जो कि हमने उनसे बोला कि ये क्या नाम है, हम तुरंत गाड़ी करके हम दिल्ली आ रहे हैं, तो रातें में हमने चल दिया, जो कि हम काले सुबह 7:30 बजे पहुंच गए और रातें मतलब 10:30 बजे धर्मेंद्र ईसाई धर्मेंद्र सर का फोन आया कि तुम्हारा भाई सुसाइड कर लिया किशनगढ़ थाने से, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, हमने बोला कि हम वहीं आते हैं आपसे शुरू बात करेंगे, और हम जब जैसे कॉलेज पहुंचे तो किशनगढ़ थाने से फोन लगाया ईसाई धर्मेंद्र सर को, तो उन्होंने बोला कि थाने आ जाइए, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि थाने ये बताओगे पुलिस ने आपकी नहीं आपको क्या जी सर, कल सर महमूद राजा एडवोकेट के सर हम गए उधर थाने किशनगढ़ थाने में, तो उन्होंने कहा नाम है हमारी FIR दर्ज नहीं अभी तक की गई, जो कि एक हफ्ता पहले हम दे आए थे, और उसके बाद ये बोला है कि तुम्हारी FIR दर्ज नहीं होगी, और हमको उधर से कहा नाम है भगा दिया करें जाइए इधर से, और ये है कि उसका DCP साहब के यहाँ गए उधर भी गए उधर भी बोला, हमने कहा हम किशनगढ़ थाने गए थे उधर FIR दर्ज कराने, हमको भगा दिया गया, हमारे साथ महमूद प्राचा जी बहुत हेल्प कर रहे हैं जो कि हमारे साथ हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं समाज के लिए, अनिल कुमार के लिए समाज मतलब इसी अनुसूचित जात से आ रहा है जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई, और हमको इसका CBI जांच चाहिए और क्या नाम है जरूरी है इसकी कार्रवाई होना चाहिए जल्द से जल्द, समाज हमारा साथ दे, जो कि हम SC समाज से आ रहे हैं और हमें शेड्यूल कास्ट के वजह से हमारे भाई की हत्या कर दी गई है, ये कॉलेज वालों से साजिश की गई है कि इसकी हत्या की जाए, जो कि हमारी अनिल से बात 29 तारीख को 7:30 बजे हुई, वो बोल रहा था कि गाना में हमारी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही और कुछ टीचरों के द्वारा जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मैंने कहा ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये दिमाग में बात न में बैठाइए ज्यादा और गाना में तुम पढ़ने में दिमाग लगाओ, मैंने ये शब्द बोला था उससे कि तुम ज्यादा दिमाग न लगाओ अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद क्या नाम है 1 तारीख को ऐसा सूचना आया कि क्या नाम है उसने कॉलेज के द्वारा फोन किया कि सुसाइड कर लिया, समाज से मदद मांगो समाज से और ये कह रहे हैं हमको समाज के द्वारा मदद मिलना चाहिए और क्या नाम है इंसाफ मिलना चाहिए, CBI जांच इंसाफ चाहिए हमें, जो कातिल हो वो कातिल को जल्द से जल्द कार्रवाई होके हमारे मतलब समाज के द्वारा वो किया जाए कि हमें न्याय मिले और CBI जांच